स्वागत है आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। लागोपाट हम आपके इंटरव्यू देख रहे हैं, काफ़ी वायरल हो रहे हैं इंटरव्यू आपके। एक इंटरव्यू अभी आपने जस्ट सुम्बुल का करके आए, क्या कहना चाहोगे? पूरा देश जानना चाहता है, सुम्बुल एक अच्छे रोल भी दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, सुम्बुल 19 साल की लड़की है, बट इतनी मैच्योर है अपने एज के लिए। 5 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू किया, ऑलमोस्ट 15 साल इंडस्ट्री में रही हैं। उन्होंने अपने पिताजी के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में, उनके हार्डशिप्स के बारे में, कैसे लोग कहते थे कि यार ये तो डार्क स्किन्ड है, इसको तो काम नहीं मिलना चाहिए, मैं भी डार्क स्किन्ड हूँ, तो ऐसी बातें मैंने अपने लिए भी सुनी है कि सिद्धार्थ कैमरा के सामने क्यों आएगा, डार्क स्किन्ड है वो। और आज तोड़फोड़ मचा दिया इंटरनेट पे, उन्होंने टीवी पे, अलग प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने अपने माँ के बारे में बात किया, अपनी बहनों के बारे में बात किया, और वो सारी कठिनाइयाँ उन्होंने ज़िंदगी में जो देखी है मेरे शो पे उन्होंने बात किया, जो कल मेरे यूट्यूब चैनल पर आएगा। एंड बहुत खुल्ला उन्होंने बात की है, इमोशनल मोमेंट्स भी थे। तो यस, इट्स गोना बी एन इंटरव्यू जो आप कनेक्ट करेंगे। शो की बात करें सुम्बुल की, यहाँ पे आईएएस ऑफिसर बन रही है, और महिला जब आईएएस ऑफिसर बनती है तो समाज में थोड़ा चेंज आता है, और यू आर ऑलवेज सपोर्टिंग वेमेन, वेमेन एम्पावरमेंट। आपने हमेशा हर महिला को आपके इंटरव्यू में जब भी गलत कुछ होता है उसके लिए आपने आवाज़ उठाई है, क्या कहना चाहोगे? ये शो कितना बेहतरीन होगा? देखिए ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मेरी माँ जब उन्होंने मुझे और मेरे भैया को डिलीवर किया, उसके बाद वो जाके और पढ़ी, उन्होंने MBA पढ़ा डिलीवरी के बाद। मेरी माँ घर भी संभालती थी और मेहनत भी करती थी अपने कॉर्पोरेट लाइफ में, टेनिस भी खेलती थी, स्पोर्ट्स भी करती थी। मेरी 2 बेटियाँ हैं, अधीरा और साइशा, मेरी वाइफ है जो एंटरप्रेन्योर भी हैं और फैमिली को भी संभालती हैं, और मेरी बेटियाँ जो 7 और 7, 4 साल की, उनको भी मैं लगातार एक ही चीज़ कहता हूँ, निडर रहो, बिंदास रहो, किसी से डरो नहीं, सही काम करो, मेहनत करो, बट डरने का नहीं किसी से, एंड अपनी आवाज़ उठाओ अगर कुछ गलत होता है तुम्हारे साथ। और आज वो वक्त आ गया जहाँ विमेन को एम्पावर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विमेन खुद एम्पावर्ड अंदर से फील करती हैं। वो लोग अपनी आवाज़ रेस करती हैं, कुछ गलत होता है चुप नहीं होती हैं, खड़े हो जाती है सही और गलत बातों के लिए भी, सही बात खड़ी होती है, गलत बात को बिंदास होके आई टू आई बोलते हैं कि ये गलत है। सो अब गर्ल पावर, इंडियन वुमेन, वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड, फुल पावर।